चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7। जो एग्जाम्पल नंबर 7 जो बच्चा है वो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 लॉजिक क्लियर होने चाहिए। पहला जो है ऐसा बोला गया है कि जब ये क्वाड्रिलेटरल होता मतलब पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हमें जो ध्यान में रखना है जो मिड पॉइंट थ्योरम हम बोलेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा बोल रहा है कि जब दो मिड पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कनेक्ट करेंगे तो वो थर्ड साइड से क्या होगा पैरेलल होगा। बस यही लॉजिक को अप्लाई करते हुए हमें सम को आगे ले जाना है। और आगे बोलूं तो और एक थ्योरम भी यूज करना है, जैसे देखो तो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो थ्योरम मतलब वो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा, उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी तब। क्लियर है? ऐसे 3 पॉइंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद आप बोलोगे सर हम इसके डायगोनल को पार्ट में लेंगे और वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, बस वो ध्यान में रखना है। तो इसके लिए बच्चा हमें ट्राइंगल का हर एक एक ट्राइंगल लेके पहले पैरेलल लेंगे, उसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और उसके बाद डायगोनल का यूज करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। बच्चा बोलेगा सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चा सम करता है तो वो प्रोसीजर आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल 7 कुछ इस तरह बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। तो यहां पे बोला हुआ है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है इसके 3 मिड पॉइंट है हर एक साइड पे हमें बोला गया है। और आपको क्या शो करना है, शो दैट ए बी सी इज डिवाइड इंटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ज्वाइनिंग डी ई एफ। तो वो बोल रहा है कि सर ये डी ई एफ को ज्वाइन करोगे तो आपको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिखेंगे। अब ध्यान से देखो तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यहां उन्होंने पैरेललोग्राम की कुछ बात ही नहीं की है, वो आपको समझना है कि पहले पैरेललोग्राम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लेना है उसको पैरेललोग्राम पहले लो, उसके बाद बच्चा आप बोलोगे पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद सर हम क्या करेंगे डायगोनल का यूज करके उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। ऐसे हमें प्रूव करना है। लेकिन बच्चा हम क्या करेंगे कोई भी एक ही पॉइंट को लेंगे उसको पहले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाद कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डाइवर्ट करेंगे। तो बच्चा वैसे ही हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन में हमें दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हम लिखेंगे डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। तो ये बोला हुआ है कि हाँ ये ट्राइंगल जो है वो ये ट्राइंगल है उसके अंदर 3 मिड पॉइंट है ये साइड के हिसाब से। तो हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा बी डी के, सेम वे बी ई जो है वो ई सी के इक्वल होगा एंड ई एफ जो है वो एफ सी के इक्वल होगा। लेकिन बच्चा हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है इसलिए हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पैरेलल प्रूव करना है, इक्वल से हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो बच्चा तो अभी आगे चलते हैं। तो प्रूफ में हम बोलेंगे सर हमें क्या करना है, तो हमें ट्राइंगल को प्रूव करना है कि जैसे समझ लो कि यहाँ पे पहला एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं जिसमें आपको 2 ट्राइंगल दिखेंगे, समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये 2 ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप पहले सबसे पहले जो ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें जो क्वाड्रिलेटरल है इसको प्रूव करना है। सेम वे आप ध्यान से देखोगे, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ये एक ट्राइंगल है, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो ये वाला क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल आ जाएंगे, और तीसरा जो है वो ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरह है ये वाले पार्ट में, ये वाला है तो इसमें 2 ट्राइंगल आ जाएंगे, इसमें 2 ट्राइंगल आ जाएंगे और इसमें 2 ट्राइंगल आ जाएंगे। इनडायरेक्टली ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं 2 ट्राइंगल इक्वली मतलब आप 1, 2, 3, 4 वो ऐसे देखना है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सारे ट्राइंगल हम जो कर रहे हैं वो इसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, तो इनडायरेक्टली एक ट्राइंगल सबके कॉन्ग्रुएंट होगा तो इंडिविजुअली सारे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
तो बच्चा ये हम ट्राइंगल लिख नहीं रहे क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब सीधा प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में जो बच्चा पहले ऐसे भी प्रूफ ही लिखा था, तो सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल ए बी सी तो बोल ही दो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, आप बोलोगे सर ये जो है डी एंड ई मिड पॉइंट है, डी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एफ, डी एंड एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी का मिड पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो थर्ड लाइन है वो किससे पैरेलल होगी, तो डी एफ पैरेलल टू, डी एफ पैरेलल टू बी सी या डी एफ पैरेलल टू बी ई। क्लियर है बच्चा, समझ में आया? आप बोलोगे सर ये क्वाड्रिलेटरल की एक साइड आपने पैरेलल की, कौन से लॉजिक के हिसाब से, तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हमने क्या किया, ये लॉजिक अप्लाई किया और उसके बाद हमने क्या किया पैरेलल कर दिया। अभी आप बोलोगे सर मुझे ये साइड और ये साइड हमें पैरेलल करनी है, तो हम बोलेंगे सर इसको ले लो एफ एंड ई को, तो फिर से वही लिखना शुरू करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ई एंड एफ इज अ मिड पॉइंट, इसको मिड पॉइंट लेंगे, ई एंड एफ को मिड पॉइंट लेंगे, कौन सी साइड है, ई जो है वो बी सी के, मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए सी। तो इससे हम क्या कर पाएंगे, एफ ई जो है, तो आप बोलोगे सर ई एफ जो है, ये ई एफ है वो पैरेलल किसके कर देंगे, ए बी के, या लिख सकते ई एफ पैरेलल टू डी बी क्योंकि उसका पार्ट ही है, ये पूरा पैरेलल इसके साथ है, या बोल सकते हो ये पैरेलल इसके साथ है। तो हम बोल देंगे ये कौन से लॉजिक के हिसाब से, मिड पॉइंट होगा, तो हमने मिड पॉइंट का लॉजिक अप्लाई कर दिया। जैसे मिड पॉइंट का लॉजिक अप्लाई होता है बच्चा, तो हम आगे जा सकते हैं। अभी ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको हम बोल देंगे वन, इसको लेंगे टू, तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू का अप्लाई करते हुए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने लॉजिक अप्लाई किया, तो अब ये वाली बारी कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, कौन सा, डी एफ ई डी, तो हम लिखेंगे डी एफ ई डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम। जैसे हम पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं तो बच्चा हमारा एक काम हो गया। सिमिलरली बच्चा आप बोलोगे सर हम ऐसे प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम को, क्योंकि एक बार हम लिख लेंगे तो वो पूरा पॉइंट हो जाएगा। तो अब पैरेललोग्राम कितने हो सकता है, तो आप बोलोगे एक और ये दूसरा, मतलब दो पैरेललोग्राम और प्रूव करने हैं ऐसे ही, तो हम लिखेंगे सिमिलरली, हम क्या करेंगे ये सारे जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम क्या कर लेंगे पैरेललोग्राम कर देंगे। तो पहला पैरेललोग्राम ये देखना है, तो आप बोलोगे डी एफ सी ई एंड दूसरा पैरेललोग्राम ये वाला जो दिख रहा है वो ऊपर वाला ये पूरा, तो आप बोलोगे ए एफ ई डी, वो भी क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम जैसे प्रूव हो जाता है बच्चा हमारा एक काम तो खत्म। अब डायगनल की बात करते हैं, तो डायगनल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले वाले में, तो हम लिख सकते हैं ये पहला जो हमारा था उसमें दो ट्राइंगल आ रहे हैं, तो वही दो ट्राइंगल हम लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो हम पहला ट्राइंगल जो लिखेंगे वो आप बोलोगे सर बी ई डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन से लगा यहाँ पे, तो एफ ई डी, एफ एफ ई डी। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, ये वाला ट्राइंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हम बोलेंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल। तो यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है। सेम वे आप बोलोगे सर सिमिलरली हमें क्या करना है, ऐसे बाकी ट्राइंगल को भी हमें मतलब जो लिया हुआ है उसके हिसाब से उसको भी कर देना है। तो डी एफ ई सी, तो डी एफ ई सी जो है वो आप बोलोगे सर इसमें जो ट्राइंगल लेते हैं तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे बच्चा हम लिखेंगे सबसे पहले एफ ई डी, एफ ई डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम प्रोसीजर, आप बोलोगे सी ई सी ई एफ, और सेम वे लास्ट में हम बच्चा बोलेंगे ये वाला तो ए डी एफ जी ई, इतना ड्रॉ करने से क्या इजीली हो जाता है बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ट्राइंगल फिक्स ही है, वो लिख लेंगे एफ ई डी, तो एफ डी ई, तो आप बोलोगे सर ये जो ट्राइंगल है वो ए ई डी, तो ये दो तीनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमारा बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो आप बोलोगे सर देखो एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, चौथा ट्राइंगल, चारों ट्राइंगल इंटरनली कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं हमारा सम भी खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, सिंपल था, लॉजिक क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।